दोस्तों बॉलीवुड की गलियारों से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बॉलीवुड के दबंग खान अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि टाइगर 3 के लिए बहुत जल्दी ही भरने वाले हैं उड़ान रशिया के लिए। तो दोस्तों क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के इस सदी के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों सलमान खान अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि टाइगर 3 को लेकर काफी सुर्खियों में है, जिसका काम शुरू हो चुका था लेकिन बीच में ही इस फिल्म को लेकर यह जानकारी सामने आ गई कि भैया इस फिल्म का काम रुक गया है क्योंकि कोरोना वायरस से ग्रसित हो गई है इस फिल्म की मुख्य अदाकारा यानी कि कटरीना कैफ। यानी कि कटरीना कैफ की वजह से यह बात बताई जा रही है कि इस फिल्म का जो मुंबई वाला शेड्यूल है वो रुक गया है। यानी कि बीच में इस फिल्म को लेकर यह खबर सामने आई थी कि भैया इस फिल्म का एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस जो है वो फिल्म सिटी के जंगलों में फिल्माया जाना था, लेकिन इससे पहले कि यह शूट कंप्लीट हो पाता कि कटरीना कैफ को लेकर यह जानकारी सामने आई कि वो कोरोना के टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई हैं और उन्होंने खुद को अपने घर में क्वारंटाइन कर लिया। और उसके बाद से ही टाइगर 3 को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म का काम कुछ दिनों के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है। और दोस्तों आज बॉलीवुड हंगामा की तरफ से एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है कि बहुत जल्दी ही इस फिल्म का आखिरी शेड्यूल पूरा करने के लिए टाइगर 3 की जो टीम है वो निकलने वाली है देश से बाहर। यानी कि इस फिल्म का एक जबरदस्त सीक्वेंस रशिया में फिल्माया जाना है जिसकी तैयारियां शुरू की जा रही है जून और जुलाई के बीच में। यानी कि भैया इस फिल्म की टीम की तरफ से ये जानकारी मिली है बॉलीवुड हंगामा को कि भैया इस फिल्म का जो रशिया वाला शेड्यूल है वो जून से जुलाई के बीच में शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन रशिया में जाकर इस फिल्म का कौन सा सीन फिल्माया जाएगा, कौन सा सीक्वेंस फिल्माया जाएगा, क्या वहां पर एक्शन सीक्वेंस फिल्माया जाने वाला है, इसकी कोई जानकारी टाइगर की टीम की तरफ से नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ ये बात पुख्ता तौर पर कही जा रही है कि ये टीम बहुत जल्दी ही आउटडोर के लिए निकलने वाली है, यानी कि जून और जुलाई के बीच में ही टाइगर की टीम निकल जाएगी रशिया के लिए जहां पर इस फिल्म का आखिरी शेड्यूल फिल्माया जाना है। तो दोस्तों टाइगर 3 को लेकर तो बहुत सारी जानकारियां हम लोगों के सामने आ रही है और इस फिल्म को लेकर तो यशराज फिल्म्स ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि भाई इस बार का जो फ्रेंचाइजी है वो बहुत ही बड़ा है, यानी कि इस फिल्म को बड़े कैनवस पर सिनेमाघर में लेकर आना चाहते हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा। लेकिन इन दिनों भैया जो सिचुएशन है ना वो इस फिल्म के फेवर में नजर नहीं आ रही है, यानी कि भैया मजबूरन इस फिल्म का बहुत सारा सिक्वेंस इन दिनों इंडिया में फिल्माया जा रहा है। यानी कि भैया इस फिल्म का बहुत सारा शेड्यूल जो था वो आउटडोर का था। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि बीच में हम लोगों ने आपको ये जानकारी दी थी कि भैया इस फिल्म का जो टर्की वाला शेड्यूल है उसे इंडिया में ही फिल्माया जाएगा, यानी कि इंडिया के ही फिल्म सिटी में, यानी कि फिल्म सिटी में ही टर्की का सेट लगाया जा रहा है, ऐसी खबरें निकल के आई थी। तो दोस्तों अब देखने वाली बात यह है कि भैया कब निकलेंगे दबंग खान टाइगर 3 के शेड्यूल के लिए, यानी कि जो ये खबर सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म का जो आखिरी शेड्यूल है वो रशिया में फिल्माया जाने वाला है, यानी कि भैया स्क्रिप्ट में बहुत सारा हेर फेर हो चुका है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।